डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल फॉर माई फिफ्थ लैक्चर अंडर हर घर पाठशाला फॉर क्लास इलेवेंथ सब्जेक्ट कैमिस्ट्री यूनिट नाइंथ एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स टूडेज सब टॉपिक्स आर हाइड्रोजन परोक्साइड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परॉक्साइड यूजिज ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल और हाइड्रोजन इकोनोमी ओके अस बिगिन विद अवर फर्स्ट सब टॉपिक हाइड्रोजन परॉक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल में इसका बहुत ज़्यादा यूज और इंपॉर्टेंट uh, यूज है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इफलेंट्स लिक्विड वेस्ट जो हमारा होता है सीवेज वेस्ट उसको हम इसे ट्रीट भी करते हैं तो दिस इज ए लिक्विड ऑफ हाई इंपॉर्टेंस इसकी प्रेपरेशन है फास्ट प्रेपरेशन है फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड बी ए ओ टू लेबोरेटरी मैथड ऑफ प्रेपरेशन है ये ट्रीटिंग बेरियम परोक्साइड विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम बेरियम परऑक्साइड को डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और रिमूविंग द वाटर बाईपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर प्रेशर रिड्यूस करते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें बनते हैं उनको इवेपोरेट कर देते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर में रिड्यूस्ड प्रेशर इसलिए बिकॉज अगर प्रेशर हाई होगा तो एच टू ओ टू भी इवेपोरेट हो जाएगा इसलिए हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं यह हमारे पास केमिकल इक्वेशन है इसकी बेरियम परोक्साइड इसमें एट वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं सॉलिड स्टेट में एच टू एस ओ फोर के साथ इसको ट्रीट करते हैं हम डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर है इसलिए एक्वास लिखा बेरियम सल्फेट हमारे पास मिलता है सॉलिड में और एच टू ओ टू एक्वा सोल्यूशन में और वाटर आठ वाटर मॉलिक्यूल एट वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरे करने के लिए हम रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं तो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम बेरियम एंड दिस इज आल्सो नोन एज लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन लेट अस मूव फर्दर जो सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम पर ऑक्सो डाई सल्फेट दिस इज पर ऑक्सो डाइसल्फाइट सल्फेट एच टू एस टू एट अब देखिए पहले हम इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हाउ दिस पर ऑक्सो डाई मोलिक्यूल एग्जिस्ट यहां पे हमारे पास दो सल्फर एटम्स हैं इसमें एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन ब्रीजिंग ऑक्सीजन हो गई ये और तीनों सल्फर जो हैं एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन चौथा ऑक्सीजन पांचवा ऑक्सीजन छठा ऑक्सीजन अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल टू नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होते हैं तो हमारे पास वन टू थ्री फोर फोर डबल बॉन्ड होते हैं इसमें लेकिन हमारे पास सल्फर टू ऑक्सीजन सिक्स बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस में होते हैं इसलिए हम इन बॉन्ड्स को ना दिखा करके डॉटेड लाइन में शेयरिंग में इन डबल बॉन्ड्स को दिखाते हैं बिकॉज दे आर इन रेजोनेंस और अब इसमें बच गया हमारे पास H2 तो H2 बाहर लगा होता है तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज एच टू एस टू ओ एट या पर ऑक्सो डाई सल्फेट ओके हम इसको अब रिमूव करते हैं आगे चलते हैं इट इज ऑप्टेन्ड बाई हाइड्रोजन पर के लिए बोल रहे हैं हम इट इज ऑपटेन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलिस इट एल्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यह देखिए रिएक्शन हमने एच टू एस टू ओट एट को थोड़ा खोल के रख दिया एस so ओ ओ एस ओ थ्री एच सिमिट्रिकल रूप में जिस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था उस तरह से हमने लिख लिया एक्वा सोल्यूशन में जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें सल्फेट आयन मिलते हैं और अब ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन एक्वा सोल्यूशन में हमें मिला ये टू एच टू लिक्विड के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें टू एच एस ओ फोर एक्वा सॉल्यूशन में देता है प्लस एच टू ओ टू एक्वा एच टू ओ टू एक्वा सॉल्यूशन में हमें दे देता है तो दिस इज सेकेंड मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल दिस मैथड इज ऑल्सो यूज फॉर द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ डी टू ओ ओ टू हाइड्रोजन की तरह ड्यूटेरियम आइसोटोप uh, यहां हमने लिया हुआ है तो इसकी प्रेपरेशन में भी यह होता है किस तरह से के टू एस टू ओ एट सॉलिड स्टेट में पोटासियम परऑक्सोडाइसल्फेट डी टू ओ हैवी वाटर के साथ इसका रिएक्शन हम कर, करते हैं तो हमें टू के डी फोर एक्वा सोल्यूशन में मिलता है और डी टू ओ टू डी टू ओ टू लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाता है तो दिस मैथड इज ऑल्सो यूज फॉर द लेबोरेटरी प्रपेशन ऑफ डी टू ओ टू लेट एस मूव फर्दर थर्ड मैथड है हमारा थर्ड मैथड है हमारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ टू डैस इथाइल एंथ्राक्यूनोल टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल दिस इस मैथड से भी हम एच टू ओ टू प्रिपेयर करते हैं इन दिस मैथड एयर इज बवर्ड थ्रू ए टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ टू डैश इथाइल एंथ्राक्यूनोल इन बेंजीन एंड साइक्लोहैक्सीन भेन इट इज ऑक्सीडाइज टू टू डैश इथाइल एंथ्राक्यूनोन एंड एच टू ओ टू इज फॉर्म तो दिस इज थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एच टू ओ टू ये देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है दिस इज टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल अब इसकी एयर इसमें बबल कर देंगे एच टू ओ टू तो ओ एच टू ओ टू हमें बाहर निकल जाएगा और टू इथाइल एंथ्राक्यूनोन ये हमें मिल जाएगी अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर H2 इसमें हम एच टू का यूज करेंगे एच टू ओ से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें यह दोबारा क्या मिल जाएगा टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल अब दिस एच टू एंड ओ टू ये हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट होकर के एच टू ओ बनाती है तो दिस रिएक्शन इज ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल अब इसको दूसरी तरह से देखते हैं कि यह हमारे पास टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल है H2O2 अब ओ टू एयर जब बबल की तो टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल हमें मिल गया प्लस एच टू ओ टू बाहर निकल गया और इसका अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हम करें एच टू और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम वहां से एच टू मिलेगा बिकॉज दिस इज पैलेडियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और हमें रिवर्सिबल uh, रिएक्शन में टू इथाइल एंथ्रा क्यूनोल हमें मिल जाता है तो दिस इज ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ टू इथाइल एंथ्रा क्यूनोल दिस इज थर्ड मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एच टू ओ टू द एच टू ओ टू सो प्रोड्यूस्ड इज अबाउट वन परसेंट बिच इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड द एक्वा सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड बाई डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू गिव थर्टी परसेंट बाई वेट ऑफ एच टू ओ टू सोल्यूशन अब जो एच टू ओ टू सोल्यूशन हमें मिलता है वो लगभग एक परसेंट होता है इसको हम वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं इसको डिस्टिलेशन के डिस्टिलेशन करके रिड्यूस्ड प्रेशर यानी कि प्रेशर को कम करके और वो हमें थर्टी परसेंट मिलता है इट कैन बी फर्दर कंसनट्रेटेड टू नियरली एटी फाइव परसेंट बाई केयरफुल डिस्टिनेशन अंडर लो प्रेशर एंड द रिमेनिंग वाटर कैन बी फ्रोजन आउट टू ऑबटेन प्योर एच टू ओ टू तो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एच टू ओ टू फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड फर्स्ट है इन द प्योर स्टेट एच टू ओ टू इज ऑलमोस्ट कलरलेस और पेल ब्लू थिक सिरपी लिक्विड इट इज वीटर इन टेस्ट H2O2 is more dense and more viscous than water. Its density is 1.44 gram per centimeter cube. Uh, its melting point is about 272.4 Kelvin. It decomposes vigorously on heating, hence, it is not possible to determine its boiling point at atmospheric pressure. Uh, it is completely miscible with butter. एल्कोहल एंड इथर इन आल प्रपोशंस थर्ड है द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच टू ओ टू इज लिटल मोर दैट इट इज टू पॉइंट वन डी वाई दैन एच टू ओ विच इज वन पॉइंट एट फोर डी वाई यानी कि एच टू ओ टू की डाइपोल मोमेंट एच टू ओ से ज्यादा होती है दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एच टू ओ टू नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू फर्स्ट है डीकम्पोजिशन एच टू ओ टू एक्वा सोल्यूशन ये डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन में इजिली डिस डिकम्पोज हो जाता है और इसका जो डेल्टा एच है एंथेल्पी वो चेंज इन एंथेल्पी जो है इट इज माइनस वन नाइनटी सिक्स पॉइंट जीरो किलो जाउल पर मोल तो ये इजिली डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में दिस इज ऑक्टो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन देखिए यहां ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज माइनस वन और यहां पे जीरो तो माइनस वन से जीरो हुआ तो दिस इज ऑक्सीडेशन और माइनस वन से माइनस टू हो गया दिस इज रिडक्शन तो ये डिप कंपोजिशन, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन है सेकंड है प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड जो प्योर हाइड्रोजन पर होता है इट एज 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 ऑक्सीडाइजिंग वेल रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड कोल्कलाइन मीडिया ओके फर्स्ट ऑक्सीडेशन एजेंट अब इसके इनके रिएक्शंस को हम देखते हैं फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसीडिक मीडिया एसिडिक मीडिया में ये किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है इट ऑक्सीडाइजिज एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट सोल्यूशन ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है अब देखिए ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन एच टू ओ टू इज कन्वर्टेड इन टू एच टू ओ एंड वन नेसेंट ऑक्सीजन इसने दी अब फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम एच टू एस ओ फोर और ये नेसेंट ऑक्सीजन हमें यहाँ मिली तो ये क्या करेगी एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस ये हमें मिल गया आ, फेरिक सल्फेट प्लस वाटर तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा टू एफ ई एस ओ फोर प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ टू गिविंग यू एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एच टू ओ टू इन एसिडिक मीडिया इट ऑक्सीडाइज इन दिस एसिडिक मीडिया फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट दिस इज फर्स्ट रिएक्शन और हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली uh, लिख सकते हैं एफ ई टू पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में प्लस टू एच पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में प्लस एच टू ओ टू गिविंग यू एफ ई टू एफ ई थ्री पॉजिटिव देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फेरस का फेरिक प्लस टू का प्लस थ्री हो गया एंड वाटर मिल गया हमें तो ये ऑक्सीडेशन है एसीडी मीडियम में ओके नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्केलाइन मीडिया एल्केलाइन मीडिया मीन्स बेसिक सोल्यूशन में इट ऑक्सीडाइजे सल्फाइड्स, नाइट्राइट्स एंड आर्सेनाइड्स टू सल्फेट नाइट्रेट एंड आरसीनेट्स रिस्पेक्टिवली इन एल्केलाइन मीडिया सल्फाइड को नाइट्राइट को आर्सीनाइट को सल्फेट में नाइट्रेट में और आरसीनेट में ये कन्वर्ट कर देता है अब देखिए एन ए टू एस ओ थ्री सोडियम सल्फाइट वाटर सॉरी एच टू ओ टू के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फ़ेट हमें मिल गया और वाटर मिल गया तो फर्स्ट रिएक्शन सोडियम सल्फेट सल्फाइड का हाइड्रोजन uh, परऑक्साइड के साथ सोडियम सल्फ़ेट हमें मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन एसओ थ्री टू माइनस एक्वा सोल्यूशन में एच टू ओ टू क्या मिलेगा एस ओ फोर थ्री नेगेटिव एक्वा सोल्यूशन में एंड वाटर तो दिस इज ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम पोटाशियम नाइट्राइट का रिएक्शन एच टू ओ टू के साथ पोटाशियम नाइट्राइट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन परऑक्साइड गिविंग यू पोटाशियम नाइट्रेट एंड वाटर तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन अल्कलाइन मीडियम में पोटाशियम uh, नाइट्राइट का और इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं कि नाइट्राइट आयन है इसमें एक्वा सोल्यूशन में ये एच टू ओ टू एक्वा सोल्यूशन में रिएक्ट करता है इसे और नाइट्रेट आयन हमें देता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है तो दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग करैक्टर फर्स्ट इसमें रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो स्टूडेंट्स इसको आपने ढंग से देखना है फर्स्ट में रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम में इट रिड्यूसिस एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन अब इसमें होता क्या है कि पिंक कलर ऑफ के सॉल्यूशन फोर सोल्यूशन डिस्चार्ज वी कैन सी दिस रिएक्शन इन लेबोरेटरी आल्सो तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं टू के फोर दो पोटासियम प्रोमैंगानेट के मॉलिक्यूल, तीन एच टू एसओ फोर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमें पोटासियम सल्फेट प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैंगानीज सल्फेट प्लस थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सी ये पांच नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिलती है नेक्स्ट देखेंगे अब ये एच टू ओ टू के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और वाटर और ऑक्सीजन हमें मिला देती है अब ये मल्टीप्लाइड बाय फाइव इसलिए किया क्योंकि ऊपर हमारे पास पांच नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिली है लेकिन यहाँ यूज एक ही हुई है तो अब पांचों की पांचों हमने यूज करनी है इसलिए इसको पाँच से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ जाता है देखेंगे इसको के टू के एम एन ओ फोर प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर प्लस फाइव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फाइव क्यों हुए पाँच से इसको मल्टीप्लाई हुआ और ये नेशेंट ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पांच नेशेंट ऑक्सीजन यूज हुई और पांच नेशेंट ऑक्सीजन ऊपर वाले रिएक्शन में बनी हुई हैं तो ये कैंसल हो गई और हमें मिलेगा के टू एस ओ फोर प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एम एन एस ओ फोर प्लस एट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइव मॉलिक्यूल यहाँ से और तीन ऊपर से प्लस फाइव ऑक्सीजन फाइव मल्टीप्लाइड बाई ओ टू फाइव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम जिसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट की ऑक्सीडेशन को देखा अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हम देखते हैं और करके हमने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अब इसको ध्यान से देखेंगे ये देखिए अगर पोटासियम को हम हटा दें तो हमारे पास मैंगानेट आयन बनेगा एम एन ओ फोर विद नेगेटिव साइन अब मैंगानेट आयन बनेगा तो इससे हमें यहां देखते हैं हम मैंगनीज सल्फेट एम एन एस ओ फोर तो मैंगनीज टू प्लस तो हमारे पास ये एम एन टू प्लस आयन बनेगा ऊपर से हम भी देख सकते हैं एम एन एस ओ फोर से एम एन टू प्लस आयन बनेगा हमारे हमारे पास अब यहाँ देखते हैं हमारे पास चार ऑक्सीजन है चार ऑक्सीजन है तो चार वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे साथ में चार ऑक्सीजन है तो चार वाटर के मॉलिक्यूल हमें यहाँ मिल जाएंगे अब हमने चार वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर दिए परंतु हमारे पास एच पॉजिटिव तो है नहीं तो हम क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हम चार मल्टीप्लाइड बाई टू एट एच पॉजिटिव यहाँ लगा देते हैं एट एच पॉजिटिव यहाँ लगा देते हैं तो अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाइज ये बैलेंस करना होता है हमने इसको तो अब हम देखते हैं राइट एंड साइड में टू प्लस ओवरऑल चार्ज टू पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड में एट पॉजिटिव माइनस वन नेगेटिव सेवन पॉजिटिव है तो अब हमें यहाँ पे इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं अब फाइव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिक्स एट माइनस सिक्स प्लस टू यहाँ पर भी प्लस टू तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन बैलेंस हो गई अब देखिए एच टू ओ टू एच टू ओ टू को जब हमने इसको आयोनाइजेशन हुआ इसका तो टू एच पॉजिटिव एच टू है तो टू एच पॉजिटिव मिल गया हमें और ओ टू मिल गया अब नाउ इस एच पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या किया टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर दिए अब हमने अल्टीमेटली यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है और ऊपर पाँच इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और नीचे दो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं अब तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा दो से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाइड हो जाएगा पाँच से अब फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू नीचे तो टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए और टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव तो टेन इलेक्ट्रॉन हो गए तो अल्टीमेटली जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बनेगा वो ये बनेगा टू एम यानी कि दो मैंगनेट आयन प्लस सिक्स पॉजिटिव बिकॉज टू एच पॉजिटिव एट माइनस टू तो सिक्स एच पॉजिटिव प्लस एच टू ओ टू फाइव टाइम्स फाइव यहां मल्टीप्लाई हुआ है तो फाइव एच पॉजिटिव गिविंग यू टू मैंगनेट आयन टू मल्टीप्लाइड बाई दिस मैंगनीज आयन तो टू मैंगनीज आयन प्लस एट एच टू ओ फोर मल्टीप्लाइड बाई टू एच एच टू ओ प्लस फाइव ऑक्सीजन फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू फाइव ऑक्सीजन यहाँ पे हम एच पॉजिटिव को द्वारा देख लेते हैं एच पॉजिटिव एट है मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्सटीन हो गए और फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू एच टेन तो सिक्सटीन माइनस टेन तो हमारे पास सिक्स एच पॉजिटिव हुए तो दिस इज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम इन विच वी हैव स्टडीड द रिड्यूसिंग ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम परमेंगनेट दीज आर टू इक्वेश नेक्स्ट चलते हैं हम रिड्यूसिंग एक्शन इन एल्केलाइन मीडियम एल्केलाइन मीडियम में इसका रिड्यूसिंग रिएक्शन देखते हैं इट रिड्यूसिज पोटासियम प्रोमैंगानेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड इन एल्केलाइन मीडियम एल्केलाइन मीडियम में मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाती है तो ये टू के एम एन ओ फोर प्रोमैंगानेट आयन प्लस थ्री एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर के तीन वॉलीक्यूल हमें ये मिल गया टू ए हमें मिल गया टू एम एन ओ टू प्लस टू के ओ एच एक्वा सोल्यूशन में प्लस थ्री ऑक्सीजन्स प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल्स टू के एम फोर पर मैंगानेट के ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन हम देखते हैं अब के फोर में पोटाशियम को हटा दिया तो टू एम फोर प्लस थ्री एच टू ओ टू अब देखिए एम टू यहाँ पर बन गया प्लस टू हाइड्रोक्सल आयन्स प्लस थ्री ओ टू प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल्स अब यहाँ देखेंगे हम कि दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इस तरफ के भी दो नेगेटिव चार्ज हैं हम ऐड कर देते हैं एल्कलाइन मीडियम में है तो ओ एच आयन्स हम ऐड करते हैं और ओ एच आयन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं so this is electronic uh, equation of uh, reducing action in uh, alkaline medium next i have here bleaching action of uh, hydrogen peroxide which is very important action of uh, hydrogen peroxide h2o2 is a very good bleaching agent due to nascent oxygen which is भिच इट लिबरेट्स ऑन डिकम्पोजिशन जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है भिच इज़ ए वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट अब देखिए ये एच टू ओ टू इसने दिया हमें वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन अब ये क्या करती है कलरिंग मैटर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और इसको ब्लीच करके कलरलेस मैटर हमें बना देती है तो दिस इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एडिशन रिएक्शंस देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्की टू फॉर्म ग्लाइकोल्स अब ये एल्कीन है हमारे पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज नोन एज एल्कीन यहां इस ये इथीन है इट इथाइलिन भी हम इसको बोलते हैं इट रिएक्ट्स विद एच टू ओ टू गिविंग यू सी एच टू ओ एच ये हमारे पास uh, इथाइलिन ग्लाइकोल हमें मिल जाता है इथाइलिन एच टू ओ टू के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ग्लाइकोल हमें बना के दे देती है तो दिस इज एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एच टू ओ टू हाइड्रोजन परऑक्साइड हैज़ ए नॉन पोलर स्ट्रक्चर द मोलिकुलर डायमेंशन ऑफ एच टू ओ टू आर एज शोन ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड डायमेंशन ऑफ एच टू ओ टू इन गैस फेज ये दो तरह की फेजिस में होता है हमारा गैस फेज में आप देखिए ये जैसे ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है आपकी जो बुक का जो बैंड है वहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम लगा दिए हैं एक फेज पे एच uh, है दूसरे फेज पे दूसरा एच है अब ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ 94.8 डिग्री ओके तो यहाँ पे भी 94.8 डिग्री अब ये जो दूसरा एंगल है बाहर वाला एंगल जो हिंज एंगल जिसको हम बोलते हैं इट इज़ 115.5 डिग्री जो कि एक प्लेन का दूसरी प्लेन के साथ है हमारा एंगल ये है 115.5 डिग्री इन गैस फेज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स इज 147.4 फोर्टी सेवन पॉइंट फोर पिकोमीटर भाईल द बॉन्ड लेंथ बिटवीन ओ एच बॉन्ड इज नाइन्टी पिकोमीटर तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड इन गैस फेज इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ, हमारे पास बॉन्ड लेंथ है ये हमारा बॉन्ड एंगल है दिस इज सेकेंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन और ये हमारे पास हिंज एंगल है बिटवीन वन प्लेन टू अनदर प्लेन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड डायमेंशन ऑफ एच टू ओ टू इन सॉलिड फेज जिसको हम क्रिस्टलाइन फेज बोलते हैं इन सॉलिड और क्रिस्टलाइन फेज में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ 101.9 हंड्रड वन पॉइंट नाइन डिग्री क्रिस्टलाइन फेज में तो यहाँ पे दूसरा एंगल भी वन हंड्रड वन पॉइंट नाइन डिग्री होते हैं परंतु जो हिंज एंगल है दैट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्ज वन प्लेन एंड द सेकेंड प्लेन इट इज़ नाइन्टी पॉइंट टू डिग्री एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इट इज़ वन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट वन पिकोमीटर फोर्टी द बॉन्ड लेंथ बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इट इज 98.8 पिकोमीटर इसको हम दूसरी तरह से देख लेते हैं तो ये 90.2 पॉइंट टू बाउंड एंगल है और ये 101.9 डिग्री ओके और दिस बाउंड लेंथ इज 145.8 पिकोमीटर एंड दिस लेंथ इज 98.8 पिकोमीटर ओके तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एच टू ओ टू डिकम्पोजिज ऑन एक्सपोजर टू लाइट एच टू ओ लिक्विड गिविंग यू एच टू ओ लिक्विड प्लस ओ टू यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एच टू ओ और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है एक्स वैन इट इज एक्सपोज टू लाइट द अबब रिएक्शन इज कैटेलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेसिज और ट्रेसिज ऑफ एल्कली अगर ये मेटल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ गया या कुछ थोड़ी मात्रा में एल्कलीज यहाँ हो गई तो ये रिएक्शन कैटालाइज हो जाता है स्पीड इसकी बढ़ जाती है इट इज देयर टोड इन ए बैक्स लाइन ग्लास और प्लास्टिक बैसल इन डार्क लाइट भी नहीं होगी और प्लास्टिक बैसल से मेटल सरफेस भी नहीं आएंगे वी एड यूरिया एज स्टेबिलाईजर इन इट इट इज कैप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड डस्ट से इसमें एक्सप्लोजिव डोजिशन होती है नेक्स्ट है यूजिज ऑफ हाइड्रोजन पोरॉक्साइड दीज आर द यूज ऑफ हाइड्रोजन पोक्साइड एज ए ब्लीचिंग एजेंट जैसा हमने पढ़ा एज ए माइल्ड डिसइनफेक्टेंट जैसा uh, ये डिसइनफेक्टेंट के रूप में भी यूज करते हैं हम इसको मैनुफैक्चरिंग ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिकल्स इट इज़ बीग यूज इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टू कंट्रोल पोल्यूशन okay, as an antiseptic under the name perhydrol for washing bones, teeth, and ear. in laboratory, and as a rocket fuel, that is 93% of h2o2 is used as a rocket fuel and as a anti an antichloral. an antichloral is a substance used to decompose residual hypochloride or chlorine after chlorine-based bleaching. as इसको यूज करते हैं तो दीज आर दूजेज ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज वाटर इन टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज इन दिस वे कैन बी यूज एज ए हाइड्रोजन फ्यूल और रिमिक्सड विद ऑक्सीजन टू क्रिएट ऑक्सीहाइड्रोजन गैस विच इज यूज इन वेल्डिंग एंड अदर एप्लीकेशंस जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है जिसका कि हम फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं और अगर इसको ऑक्सीजन के साथ हम मिक्स करते हैं तो वेल्डिंग और दूसरी एप्लीकेशन में इसका यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन फ्यूल इज ए जीरो इमिशन फ्यूल बर्न विद ऑक्सीजन इट कैन बी यूज इन फ्यूल सेल और इंटरनल कंबस्टन इंजन इट हैज बिगन टू यूज इन कमर्शियल फ्यूल सेल वहीकल्स सच पैसेंजर कार्स एंड हैज बीन यूज इन फ्यूल सेल बसेज फॉर मैनी ईयरस इट इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल फॉर स्पेस क्राफ्ट प्रोपोलेशन ओके तो हाइड्रोजन फ्यूल जीरो मिशन फ्यूल है मतलब इसमें पॉल्यूशन जो है वो मिनिमम और जीरो ही होता है ओके okay, और ये स्पेस क्राफ्ट की प्रोपोल्यूशन में भी इसका यूज किया जाता है कमर्शियल फ्यूल में नाउ ए डेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बैटरीज को भी हम यूज कर सकते हैं ओके okay, तो दिस इज द हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज बैटरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार में लगा होगा जिसमें वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस होके हाइड्रोजन स्टोरेज होगी सनलाइट से ऑक्सीजन से हाइड्रोलिसिस होगा हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी हाइड्रोजन का यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल में गाड़ियों में होगा और वाटर बाहर निकाल देगा ये एज ए पॉल्यूटेंट बट वाटर इज नॉट ए पॉल्यूटेंट तो वाटर एक प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा तो दिस इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल नेक्स्ट है हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूचर का सोर्स है ये हाइड्रोजन स्टोरेज कहीं से भी वाटर की प्रेजेंस में सोलर पैनल से एच टू ओ को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे हमें हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे मिलकर के फ्यूल सेल में यूज होंगे फ्यूल सेल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर है वाटर कैन बी यूज्ड और हीटिंग के द्वारा हम इनको इलेक्ट्रिसिटी uh, भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हम इसका यूज कर देते हैं तो दिस इज हाइड्रोजन एनर्जी इट इज़ द सोर्स ऑफ द फ्यूचर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी द हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल फॉर हीट हाइड्रोजन व्हीकल्स, सीजनल एनर्जी स्टोरेज एंड लॉन्ग डिस्टेंसिज ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी in order to phase out fossil fuel and limit global warming hydrogen is the starting to be used as it can be created from water or by non polluting methane pyrolysis and its combustion only releases water vapor to the atmosphere this is hydrogen economy यानी कि हाइड्रोजन का यूज फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने के लिए जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और हाइड्रोजन ही ऐसा काम कर सकता है इट इज ए नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल इसको मीथेन से या पायरोलिस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं व्हाट आर द चैलेंजेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनोमी ओके Uh, for these reasons, it is realistic to have a vision of a reaching hydrogen economy. However, the ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन इकोनॉमी फेसिस मल्टीपल चैलेंजेस दैट हैव टू बी ओवरकम इंक्लूडिंग लार्ज स्केल स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर टू दोज ऑफ गैसोलीन एंड नेचुरल गैस एंड द कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन इट्स स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड सेफ्टी दीज आर द चैलेंजेज ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी ओके दिस इज द mind map of hydrogen economy you can see here that how hydrogen can be used in different areas of fuel consumption so students here we close our this unit unit number 9th that is hydrogen thank you thank you being with me students you have to prepare this hydrogen unit for future and for competitive point of view also thank you thank you being with me